हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में महिला थाना पुलिस की मेहनत एक बार फिर रंग लाई है, जहां महिला थाना ने करीब 150 पति पत्नी के जोड़े की काउंसलिंग कर उन्हें फिर से मिलाने का काम किया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन से अगस्त तक करीब 250 जोड़ों ने आपसी रंजिश के चलते मामले दर्ज कराए थे, जिसमें महिला थाना इंचार्ज उनकी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए करीब 150 जोड़ों को मिलाने का काम किया। इस खुशी भरे अवसर पर आज थाने में इन सभी को बुलाकर एक दूसरे के गले में माला डलवाई गई, वे मुंह मीठा कराया गया और सभी को समझाया गया कि परिवार में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इनको घर पर बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? पिंकू। पिंकू जी, आपका आज महिला थाने में समझौता हुआ है, मियां बीवी का विवाद था, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जितनी साहब ने मेहनत करी है, जितनी यहाँ पे मेहनत हुई है, हमें देख के बहुत अच्छा लगा है। लेकिन मैडम की हमें एक बात और अच्छी लगी है, जैसे कि उन्होंने बोला हर कपल से फीडबैक लेने का, ये अच्छा भी है और बहुत शुभ विचार है। नहीं, जिस तरीके से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जरा जरा सी बातों में अपना परिवार तोड़ लेते हैं? उनसे यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी बातें चलती हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसे थाने तक लेके जाए, अपने आपस में बैठ के सलाह मशवरा कर लेना चाहिए और परिवार को किसी भी तरीके से बचाना चाहिए। जी, इसमें दोनों परिवारों की बेइज्जती होती है, यहाँ से भी आता है वहाँ से भी आता है, चलो हम तो आपस में देख लेते हैं, लेकिन आस पड़ोस में भी और भी ज्यादा बेइज्जती होती है और सब में ज्यादा बेटी वाले की भी होती है। तथा महिला थाने का हमेशा से ही प्रयास रहा है कि किसी का घर उजड़े नहीं बल्कि उसको बसाया जाए। अभी भी कुछ मामले थाने में चल रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उनका भी निपटारा जल्द से जल्द कर दिया जाए और वो लोग भी इन जोड़ों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें। मैम, जानना चाहेंगे आज जो महिला थाने से कई करीब जोड़े, बहुत सारे जोड़े आपने समझौता करके घर भेजे हैं, कितने जोड़े अब तक यहाँ पर आए हैं और कितने लोगों को भेजा जा चुका? देखिए, मार्च से लॉकडाउन के बाद सर अब तक करीब हमारे पास प्रार्थना पत्र आए 200 के करीब, जिसमें हमने 150 लोगों का समझौता करा के उनके घर में घर भेजा है, उनका घर बसाया है। आज हमने उन सबका फीडबैक लेने के लिए सबको अपने पास बुलाया था, जिसमें हमारे 25 जोड़े हमारे यहाँ मौजूद रहे, बाकी लोग किसी ना किसी वजह से नहीं आ पाए। तो लगभग अब तक कितने जोड़ों का समझौता हो चुका है? 150 लोगों का समझौता अभी हो चुका है हमारा, चार महीने। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल और बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।